हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल ट्रैकर पर। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आने वाले 6 महीनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को फिर से आरंभ करने की योजना तैयार कर ली है। शुरुआती चरण में सीमित संख्या के साथ यात्रा बहाल करने की योजना बनाई गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए और लॉकडाउन के बाद यात्रा के नए नियम क्या होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही माता रानी के भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब वे दर्शन करने जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पूरे 2 महीनों से स्थगित श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को दोबारा खोलने की लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने अपनी नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लॉकडाउन से पहले 18 मार्च को ही यात्रा स्थगित कर दी थी। अब नए नियमों के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद रोजाना 5,000 से 6,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण से दर्शन की अनुमति दी जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वालों में से 40 से 50% श्रद्धालुओं के पास स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, तो ऐसे श्रद्धालुओं को यात्रा की सुविधा देने के लिए भी श्राइन बोर्ड विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। दोस्तों, अब पंजीकरण ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है, और ये सब एक मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा। ये ऐप सभी श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य होगी। इस ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं की ट्रेवल हिस्ट्री के साथ ही उनकी पूरी जानकारी का डेटा रखा जाएगा। पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की हर मूवमेंट के बारे में श्राइन बोर्ड को पता चल सके, इसके लिए श्रद्धालुओं का मोबाइल GPS के साथ कनेक्ट कर भवन मार्ग पर GPS सिस्टम लगाया जाएगा। अभी यात्रा केवल पैदल मार्ग से ही आरंभ की जा सकेगी, क्योंकि पैदल यात्रा को ही ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग यात्रियों के बीच में बनी रहे इसके लिए पैदल यात्रियों के लिए ताराकोट मार्ग से रास्ता खोल दिया जाएगा, और वापस आने के लिए श्रद्धालुओं को पुराने मार्ग से ही वापस आना पड़ेगा। और भविष्य में हेलीकॉप्टर या फिर बैटरी कार में सफ़र को लेकर भी शारीरिक दूरी की शर्तों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अभी फ़िलहाल केवल एक दिन में 5,000 से 6,000 श्रद्धालु ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा पाएंगे। पहले की बात करें तो पहले एक दिन में 50,000 से लेकर 60,000 तक यात्री दर्शन करने जा सकते थे। हालांकि श्राइन बोर्ड सभी सुझावों तथा बिंदुओं पर विचार कर रहा है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जल्द ही कुछ अन्य विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद ही आगे की योजना बनाई जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की योजना के तहत मनोकामना भवन से माता के भवन तक क्यूबिक फ्लेक्सीग्लास लगाकर 1 घंटे में 470 से 490 श्रद्धालु ही माता की पवित्र पिंडियों के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा मार्ग को संक्रमण मुक्त रखने के लिए अर्धकुंवारी वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी सैनिटाइजर टनल के निर्माण की योजना चल रही है। बाढ़ गंगा के साथ ही नए ताराकोट मार्ग, अर्धकुंवारी वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी आदि पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आने वाले श्रद्धालुओं की सैनिटाइजेशन और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके और श्रद्धालुओं को इस महामारी से बचाया जा सके। इसके साथ साथ कटरा से वैष्णो देवी भवन तक जो अस्पताल हैं उनमें पर्याप्त इंतजाम किए जाने की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सही उपचार दिया जा सके और संक्रमण से बचाया जा सके। इन सब के अलावा भोजनालय और लंगर वाली जगहों पर श्रद्धालुओं को भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा, और यह सभी सुझाव यात्रा पर्ची पर भी अंकित होंगे। अब यात्रा पर्ची उपलब्ध होते ही श्रद्धालुओं को करीब 1/2 घंटे के अंदर अपनी वैष्णो देवी यात्रा शुरू करनी होगी। पहले यात्रा पर्ची लेने के बाद श्रद्धालुओं को कटरा से 6 घंटे के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी। वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों को सैनिटाइजर करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ कटरा के सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और बाजार को भी सैनिटाइजर किया जाने का कार्य शुरू होने जा रहा है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं पर ही कटरा का बाजार, वहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट, सभी दुकानदार और उनका पूरा कारोबार पूरी तरह से निर्भर रहता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द यात्रा शुरू करने के लिए तैयारियाँ पूरी जोरों पर चलाई जा रही हैं।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं। अब केवल गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने पर ही इस वैकल्पिक योजना को तुरंत अमल में लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और पूरी योजना की प्रबंध व्यवस्था सरकार की अनुमति पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 5वें लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और इस 5वें लॉकडाउन के साथ ही लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए 4 चरण भी बनाए हैं। इसमें पहला चरण 8 जून से लागू होगा, जिसमें देश के सभी धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। अब इंतजार है तो बस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सूचना पत्र जारी करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी सभी दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।